ज़ीरो हेरिटेज ऑफ इंडिया। अरुणाचल प्रदेश में स्थित ज़ीरो वैसे तो बहुत ही ज़्यादा अनएक्सप्लोर्ड प्लेस है, पर आप अगर ज़िंदगी की भागदौड़ से कहीं दूर जंगलों के बीच कैंपिंग करने का मन रखते हैं तो ज़ीरो इज़ अ बेस्ट प्लेस फॉर यू। वंस यू रीच्ड हियर यू विल डेफिनेटली फील समथिंग डिफरेंट हियर। यहाँ के लोग काफ़ी मिलनसार और खुशमिजाज होते हैं, स्माइल तो उनके चेहरे से हटती ही नहीं। ज़ीरो इज़ अ वेरी मच पॉपुलर फॉर ज़ीरो फेस्टिवल ऑफ म्यूज़िक। ये एक आउटडोर फेस्टिवल होता है म्यूज़िक का। इंडियंस ही नहीं, देश विदेश से लोग यहाँ के इस म्यूज़िक फेस्टिवल में शामिल होकर चिल करते हैं। इस म्यूज़िक फेस्टिवल की शुरुआत हुई 2012 में। हर साल ये फेस्टिवल प्रोबेबली सेप्टेम्बर मंथ में ही होता है। इस साल मतलब 2019 में ये फेस्टिवल 26 सितंबर टू 29 सितंबर को होने वाला है। इसकी टिकट आप townscript.com से भी ऑनलाइन ले सकते हैं। 4 डे फेस्टिवल का पास का जो चार्ज है वो है अप्रॉक्स 5000 रुपीस। सितंबर मंथ में ज़ीरो म्यूजिक फेस्टिवल को अटेंड करने बहुत दूर दूर से आए हुए लोगों के लिए यहाँ स्टे और चिल करने की पूरी व्यवस्था होती है। हजारों कैंप आपको यहाँ पर एक साथ एक ही जगह पर लगे हुए दिख जाएंगे। यहाँ पर ऑफर की जाने वाली पॉपुलर ड्रिंक है राइस वाइन। यहाँ राइस वाइन का मजा आपको हर जगह मिलेगा और ये राइस वाइन वहाँ की लोकल लेडीज जेंट्स सभी पीते हैं। यहाँ के औरतों के चेहरे की सुंदरता और नूर खूबसूरती की एक और ही परिभाषा बयां करते हैं। इसके अलावा आप यहाँ के लोगों के घर पे भी स्टे कर सकते हैं, जहाँ पर वो आपको स्टेइंग के साथ साथ डेलिशियस फूड और लोकल डिशेज भी ऑफर करते हैं। बांस और लकड़ी से बने इस घर पे भी आपको सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा ऑर्गेनाइज वे में मिलेंगी। एंड वन मोर थिंग, अगर आप फिश के शौकीन हैं तो यहाँ के चावल के दलदल में भी आपको मछलियाँ देखने को मिल जाएंगी। आपको यहाँ पर फिश हंटिंग का मज़ा भी मिलेगा। ये मछलियाँ काफ़ी ज़्यादा स्वादिष्ट होती हैं, तो आप इनका भी लुत्फ उठा सकते हैं। यहाँ आकर आपको दुनिया के लोगों से कनेक्ट होने का मौका मिलता है। सो आई होप कि इस ईयर ये फेस्टिवल आप ज़रूर अटेंड करेंगे। मैं मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में। सो अगर वीडियो पसंद आई हो और इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, और वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।